Hello everyone, as you have seen in this thumbnail, this video is all about the girls hostel tour in Government Medical College Srinagar. And if you are new to this channel, let me introduce myself first. Myself Nidhi, and I am first year professional MBBS student at GMC Srinagar. We are doing well and safe at your home. So many of you were waiting for hostel tour video, I know very well. So here सामने आपको जो जगह दिख रही है पार्किंग है, और हमारे कॉलेज से थोड़ी कदम आगे जाके आता है गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड श्रीनगर के अंदर ही, और ये करण नगर में आपको पता ही होगा। एंड यहाँ गेट के साथ एक बोर्ड लगा है जिसमें कि रैगिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अब हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, और ये गेट से हम अंदर जाते हुए यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पे एक सर बैठते हैं और यहाँ पे हमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है कि हम कब कॉलेज से हॉस्टल से बाहर गए, कब हॉस्टल से अंदर आए। देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नगर की। उसके बाद यहाँ जगह है जहाँ पे सारे अपने की वगैरह रखते हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पार्क है। यहाँ पे सारे सर्दियों के टाइम, मतलब जब थोड़ी बहुत ठंड होती है, बर्फ़ नहीं पड़ती, तो धूप में बैठने आते हैं, बातें करते हैं, पढ़ने आते हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जॉगिंग वगैरह, जो जिसका मन हो। और ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है सामने, और यहाँ पे हमारे हॉस्टल वालों ने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। और ये हमारे हॉस्टल के पार्क के बीच में बहुत ही सुंदर पेड़ है, यहाँ पे सारे फोटोज खिंचवाना बहुत पसंद करते हैं, और इसकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे हॉस्टल को बहुत अच्छा करता है। हमारा कॉलेज तीन ब्लॉक्स में डिवाइड है, जो येलो वाली बिल्डिंग है आगे की, और आगे ग्रे बिल्डिंग है। ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग्स पीजी बिल्डिंग्स है, यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं। और ये जो पिंक कलर की बिल्डिंग है, ये भी पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारी कॉलेज की सबसे अच्छी बिल्डिंग है, और इसके रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जा रहे हैं हम मेन एंट्रेंस की तरफ, ये जो बिल्डिंग है पिंक कलर की, ये दोनों हॉस्टल्स को लिंक करती है, गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। जब हम एंट्रेंस की तरफ जाते हैं कॉलेज में, हर जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। और थोड़ी आगे जाके आते हैं यूजी बिल्डिंग, जो कि नीट क्लियर करके कॉलेज में आते हैं उनके लिए, और ये मेस के लिए गेट है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी आगे, और आपको जो ग्रे बिल्डिंग है, मतलब जो कि यूजी बिल्डिंग है, उसके अपोजिट जो ब्लॉक दिख रहा है, ये एनाटॉमी एंड फिजियो डिपार्टमेंट, मतलब हमारा कॉलेज बिल्कुल ही साथ है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये एनाटॉमी हॉल है। इसमें अराउंड 300 स्टूडेंट की ऑक्यूपेशन है, और हमारे क्लास में 180 स्टूडेंट्स ही हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कॉलेज, और यहाँ पे और हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अभी हम जा रहे हैं यूजी बिल्डिंग की तरफ, और यूजी बिल्डिंग यहाँ पे इसका एंट्रेंस है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है यूजी गर्ल्स हॉस्टल जीएमसी श्रीनगर। और ये गर्ल्स हॉस्टल का एंट्रेंस भी यही से है, बट ये दरवाज़ा काफ़ी टाइम से बंद है, शायद कोविड की वजह से। अब यहाँ से तो दरवाज़ा बंद है, तभी हम पीजे बिल्डिंग की तरफ से अंदर जाएंगे। और ये हमारी पीजी बिल्डिंग का एंट्रेंस है, यहाँ पे कॉरिडोर्स दिख रहे होंगे आपको, ये रीडिंग रूम है, रिक्रिएशन हॉल है, हमारे कॉलेज के कॉरिडोर्स हैं।
हमारा जो बिल्डिंग है ये 4 स्टोरी है, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग होने की वजह से ये सीढ़ियाँ, इससे आप जा सकते हैं ऊपर। और ये हमारे पीजी के वॉशरूम्स हैं, और ये एग्जिट है, ये कॉरिडोर्स हमारे कॉलेज के, एंड ये यूजी बिल्डिंग की तरफ का रास्ता है। और ये हॉल्स हैं, जब स्टूडेंट्स को रूम नहीं मिलता तो यही रहते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये सामने जो कमरा है ये मेरा है। और अभी हम जाने लगे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर्स, और सेम ऐसे ही सेकंड फ्लोर भी है और थर्ड फ्लोर भी है, वहाँ पे भी सेम ऐसे कॉरिडोर्स। और आप पीजी के बिल्डिंग के अंदर जाने के भी रास्ते यहीं से लिंक होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मेस में। एक्चुअली हमारे हॉस्टल में 2 मेस हैं, और ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे सारे बैठ के खाना खाते हैं, पढ़ते भी हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, फ्रेशर्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।